हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चार कली के पेटीकोट की कटिंग और सिलाई के बारे में। तो देखिए, ये जो हम चार कली का पेटीकोट कटिंग करने जा रहे हैं, तो इसके लिए जो साइज है, कमर है वो है 36 इंच और लंबाई जो है वो है 32 इंच। तो इसी के हिसाब से हम चार कली की पेटीकोट की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कटिंग कैसे करना है। तो चार कली के पेटीकोट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो बेल्ट देखिए, कमर जो है 36 इंच है और ये जो इसकी चौड़ाई है वो है 34 इंच है। तो 34 है इसलिए हमें कपड़ा उसमें और जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम डबल बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट जो है लिया है हमने, ये 5 इंच, 2.5 इंच का हमने बेल्ट, वो 2.5 इंच हमने चौड़ा लगाना है, तो हम 5 इंच लेंगे। तो यानी हम 10 इंच बेल्ट की कटिंग करेंगे। दो बेल्ट हम इसमें से कटिंग कर रहे हैं, तो हम 10 इंच बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। इसमें हम दो बेल्ट निकालेंगे। तो ये देखिए, हमने 10 इंच इधर से और 10 इंच यहाँ से लिख के और इस पर निशान लगा के हमें कटिंग कर लेना है। ये 10 इंच पे हमने निशान सीधा दे दिया है, तो इसमें हमें दो बेल्ट कटिंग करना है। दो बेल्ट हम कटिंग करेंगे, तो ये इसी निशान पे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें से डोरी की कटिंग करेंगे। तो डोरी कटिंग करने के लिए ये लंबाई में से हम कटिंग करेंगे। तो इसमें हम छोटा सा जहाँ से हमें करना है ऐसे थोड़ा सा कट दे के और फिर हम इसमें से डोरी कट निकाल लेंगे। ये देखिए, डोरी हमारी निकल गई है। अब इसके बाद हम पेटीकोट की कटिंग करेंगे। देखिए, डोरी कट करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए हम इसे लंबाई के साइड से बस एक ही फोल्ड देंगे, जिसमें ये डबल लेयर में कपड़ा आ जाएगा। चार कली का पेटीकोट कटिंग करना है तो हमें दो ही फोल्ड करना है। तो ये देखिए, दो लेयर में हमें बराबर से इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, दो फोल्ड में हमने पेटीकोट फोल्ड कर लिया है और बराबर से हमें पेटीकोट फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे कमर का। देखिए, हमने इस साइड में 9.5 इंच पे निशान लगाया है और इस साइड में 9.5 इंच पे निशान लगाया है। 36 इंच कमर है हमारी, तो हमने 0.5 इंच मार्जिन सिलाई के लिए लिया है और हम इसमें लूजिंग नहीं ऐड कर रहे हैं, तो हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। अब हम इन दोनों निशान को मिला लेंगे आपस में। अब हमें इन दोनों निशान को मिला लेना है, ऐसे लंबा निशान दे देंगे और इसी पे हम निशान करके और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमने निशान को मिला लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, 2 मीटर हमारे पास पेटीकोट का कपड़ा था और 2 मीटर में जो हमारा नाप था उसके हिसाब से कपड़ा बहुत ज़्यादा है। आप बहुत आराम से चार कली की पेटीकोट की कटिंग और सिलाई कर सकते हैं। हमें इसको भी कट करके अलग कर लेना है। ये जो ज्वाइंट है, इनको भी कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए, हमने इसको भी कट कर लिया है और इसको भी जो ज्वाइंट है हम उसको कट के अलग कर लेंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस भाग को लेंगे और इस भाग से दोनों से ऐसे बराबर मिला लेंगे। देखिए, हमने इस पे बराबर रख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐसे मिलाएंगे। तो ये देखिए, हमारे पास जो है ये एक्स्ट्रा ज़्यादा आ रहा है कपड़ा, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमें कटिंग कैसे करना है, पहले हम इन दोनों को हिस्सों को मिला लेना है। ये देखिए, इसको मिला लेना है और पहले हम इस साइड भी, देखिए हमारी ऊपर से भी बढ़ के कपड़ा आ रहा है और नीचे से भी, तो पहले हम ऊपर की साइड में कटिंग कर लेंगे हैं। तो देखिए, हम पहले इधर की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये तो हमारा ज़्यादा भाग है, हम इसको काट के निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बराबर हो चुका है। अब हम इसको फिर सीधा करेंगे। देखिए, हमने इसको सीधा किया है। देखिए, सीधा करने के बाद ये थोड़ा सा हमें ये भाग थोड़ा बराबर नहीं हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा इसको बराबर का शेप दे देंगे।
बराबर कर लिया है। अब देखिए हम इसको इस पे रखेंगे और इसको इधर रखेंगे। अब हम इसको ऐसे देखिए जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद देखिए हमारे पास इतना हिस्सा जो है ये ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको भी काट के निकाल लेंगे। देखिए हम ऐसे इसकी भी कटिंग करके इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए अभी देखिए हमारे पेटीकोट की ये जो कटिंग है वो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से जो है तिरछा जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको बराबर कर देंगे। तो ये देखिए हमने बराबर कर दिया है। आप ये देखिए अब ये जो है दोनों साइड बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल देखिए ऊपर से भी बराबर है और नीचे से भी बराबर है। अब इस पर हम सिलाई बहुत आराम से कर सकते हैं, कहीं भी आपको काटना छाटना नहीं पड़ेगा, बस सिलाई करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसकी सिलाई करना कैसे है। तो ये देखिए सिलाई के लिए हम इसमें से दो पार्ट लेंगे, और दो पार्ट लेने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा तिरछा भाग है और ये सीधा भाग है। तो हम एक तिरछा भाग और एक सीधा भाग, ये देखिए ये तिरछा भाग है, तो हम इसको ये सीधे भाग के साथ सिलाई करेंगे। एक तिरछा भाग लेंगे और एक सीधा भाग, और हम इस पर सिलाई करेंगे। ये देखिए हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक तिरछा भाग और एक सीधा भाग जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम ये देखिए ये सीधा भाग है, इसमें हमने तिरछा भाग जोड़ा था, तो ये आपका सीधा भाग है। तो सीधे भाग में फिर हम यहाँ एक तिरछे वाले भाग को ऐड करेंगे। ये देखिए ये तिरछा भाग है, तो ये अब हम इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे तिरछे भाग को। तो चलिए अब हम इसको भी जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें तीन पार्ट जोड़ लिया है। तो ये देखिए हमने ये सीधे के साथ तिरछा जोड़ा है, इससे ये हमारा सीधा भाग आ गया है। तो एक पार्ट हमारा जो बचा है ये सीधा पार्ट है, तो इसमें भी हम तिरछा वाला पार्ट जोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये तिरछा वाला पार्ट है, तो अब हम इसको भी इसी में जोड़ लेंगे। तो चलिए हम इसको भी जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें चारों पार्ट जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं कितने बराबर से ये पार्ट जोड़ गया है, कहीं भी आपको काटना छाटना नहीं पड़ेगा। ये देखिए चार पार्ट जो है जोड़ चुका है। अब ये जो दो पार्ट ये बचा हुआ है इसको हम अभी नहीं जोड़ेंगे, तो इसके लिए क्या करने हम ऊपर वाले पार्ट में ये किनारे में पहले 3 इंच इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे और इस पर सिलाई चलाएंगे, क्योंकि ये जो खुला हुआ पार्ट रहता है बेल्ट के पास, तो उसके लिए हम इस पर 3 इंच इस पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हम इस पर 3 इंच सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों हमने बेल्ट के कट के तरफ ही दोनों तरफ सिलाई कर लिया है। ये देखिए हमने इस पर 3-3 इंच में सिलाई कर लिया है, और अब हम इसके ऊपर का बेल्ट बनाएंगे। तो कमर जो है 36 है, और तो देखिए 36 के हिसाब से हम कमर बना रहे हैं। तो ये कमर का जो ये बेल्ट है, तो बेल्ट जो है एक बेल्ट हमारा 34 इंच का ही है, तो बाकी हमें इसमें 2 इंच जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने 2 बेल्ट कटिंग की थी, तो अब हम इसमें से 2 इंच कट करके इसमें जोड़ेंगे। तो चलिए हम इसमें जोड़ लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें बेल्ट जोड़ लिया है। तो ये देखिए हमारा सीधा पार्ट है और ये सीधे पार्ट में ही सिलाई हुई है। तो बेल्ट को हम इस पर सिलाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले इसमें ये थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसी सिलाई के ऊपर इसको रख के हम सिलाई कर लेंगे। तो ऐसे सिलाई करने के बाद हमारा बेल्ट जो है तैयार हो जाएगा। तो ऐसे हम पूरे में आधा फोल्ड देके फिर हम इस पर सारे पे सिलाई कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी सिलाई करके बताते हैं। बेल्ट जो है बन गया है, बेल्ट बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप बहुत ही आसानी से बन गया है। अब इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, और ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको हम ये 2 इंच का बेल्ट है हमारा, और 2 इंच और छोड़ के हम इस पर इतना 4 इंच छोड़ के हम इस पर सिलाई लगा देंगे। जो खुला हुआ पार्ट है वो भी हम इसको जोड़ लेंगे आपस में। ये देखिए ये जो खुला हुआ पार्ट है हम इसको जोड़ लेंगे। यहाँ ऊपर से हम 4 इंच छोड़ के
और इसको हम जोड़ लेते हैं। देखिए अब हमने ये खुला हुआ पार्ट भी जोड़ लिया है, ये देखिए जुड़ गया है खुला हुआ पार्ट। हमने इसमें पहले ही कटाई छटाई कर ली है तो हमें कहीं भी काटना छाटना नहीं है। तो हमें नीचे फोल्ड देखते हैं कितना करना है। तो लंबाई जो है 32 इंच था, तो हम पहले इसको देख लेते हैं कितना लंबाई है। ये बेल्ट से लेके हमारी लंबाई 32 इंच यहाँ है और इसमें 2.5 इंच कपड़ा ज़्यादा है तो हम इसमें 2.5 इंच फोल्ड कर सकते हैं। देखिए 2.5 इंच कपड़ा ज़्यादा है तो हम इसमें 2.5 इंच अंदर से फोल्ड कर लेंगे। तो चलिए हम इसको फोल्ड, देखिए फोल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, जितना भी हमें फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करके और हम इस पर सिलाई कर देंगे। तो 2.5 इंच हम अंदर फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा नीचे का भी फोल्ड होके सिलाई हो चुका है। ये देखिए हमने इस पर सिलाई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये पेटीकोट कितने बराबर से, कहीं से कम ज़्यादा नहीं है। चार कली के कटिंग की सिलाई आप देख सकते हैं कितने आराम से हो गई है, आसानी से। ये देखिए आप, कहीं से आपको बड़ा छोटा नहीं नज़र आएगा क्योंकि इसकी कटिंग सब हमने पहले ही कर ली थी। तो इसके लिए आपको बाद में कहीं भी काटना छाटना नहीं पड़ेगा। ये देखिए चार कली का पेटीकोट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये देखिए हमने इसकी डोरी भी सिल ली है। तो ये देखिए चार कली का पेटीकोट सिलना कितना आसान है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।